हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नाव रेलवे में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पर रेलवे विभागीय परीक्षा संबंधित प्रत्येक विभाग का प्रश्न पत्र अपलोड किया जाता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। दोस्तों, आज का प्रश्न पत्र साउथ वेस्टर्न रेलवे मैसूरू डिवीजन में हुए कॉमर्शियल डिपार्टमेंट में कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका प्रश्न पत्र दोस्तों आज हम लोग देखेंगे। यह एग्ज़ाम 4 जुलाई 2023 को कंडक्ट करवाया गया था। इसमें परीक्षा की अवधि 120 मिनट थी। तो दोस्तों, आइए देरी नहीं करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, SWR WWO का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, साउथ वेस्टर्न रेलवे वोमेन वेलफेयर एसोसिएशन। ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या दो, पार्सल बुकिंग के लिए स्वीकार किए जाने वाले किसी भी एकल पैकेज वस्तु का अधिकतम स्वीकार वजन किलोग्राम में कितना होना चाहिए। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, 150 किलोग्राम। प्रश्न संख्या तीन, वह स्टेशन जहाँ रेलवे लाइन समाप्त होती है कहलाता है क्या। इसका सही जवाब होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, टर्मिनल। प्रश्न संख्या चार, भारत की सबसे महंगी लग्जरी ट्रेन कौन सी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, महाराजा एक्सप्रेस। प्रश्न संख्या पाँच, चयनित ट्रेनों के लिए तत्काल टिकट ट्रेन के आरंभिक स्टेशन से यात्रा की तारीख को छोड़कर डैश पहले बुक किया जा सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, एक दिन पहले। प्रश्न संख्या छः, IRCTC पोर्टल का मुख्य रूप से उपयोग होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, रेलवे ई टिकट बुकिंग के लिए। प्रश्न संख्या सात, ZRUCC के अध्यक्ष कौन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, GM साहब। प्रश्न संख्या आठ, PCOM का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो PCOM का फुल फॉर्म हो जाएगा दोस्तों, प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशन मैनेजर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या नौ, BOXN वैगन क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, खुला वैगन। प्रश्न संख्या दस, आमतौर पर एक कर्मचारी वार्षिक वेतन वृद्धि का हकदार होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, साल में एक बार, चाहे जुलाई या जनवरी में लगता है। प्रश्न संख्या ग्यारह, स्टेशनों की वार्षिक यात्री आय 500 करोड़ से कम या इसके बराबर और रुपया 100 करोड़ रुपया से अधिक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, NSG 02 में आता है वो स्टेशन। प्रश्न संख्या 12, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म किस स्टेशन पर है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, हुबली पहले या गोरखपुर में था। प्रश्न संख्या 13, दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, सिकंदराबाद। प्रश्न संख्या 14, SBF का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा दोस्तों, स्टाफ बेनिफिट फंड यानी कर्मचारी लाभ निधि। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से किस स्टेशन को पहले विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से जाना जाता था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को। प्रश्न संख्या 16, किस वर्ष भारतीय रेलवे को 20 दिनों की हड़ताल का सामना करना पड़ा जिससे देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, 1974 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, जॉन मथाई। प्रश्न संख्या 18, भारतीय रेलवे में किसी जोन की व्यावसायिक गतिविधियों की देख रेख और प्रबंधन कौन करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, PCCM। प्रश्न संख्या 19, भारतीय रेलवे सिविल इंजीनियरिंग संस्थान कहाँ स्थित है। दोस्तों, क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट टाइप का है इसमें, इसलिए पढ़ने में आपको दिक्कत आ रही होगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, पुणे। प्रश्न संख्या 20, कौन सी ट्रेन पूरी तरह से अनारक्षित सुपरफास्ट ट्रेन है। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, अंत्योदय एक्सप्रेस। प्रश्न संख्या 21, भारत में सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा है।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी उत्तर रेलवे। प्रश्न संख्या 22, भारत की सबसे पहली यात्री ट्रेन किसके बीच चली थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बम्बई काबोरीबंदर स्टेशन और थाने स्टेशन के बीच, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 23, HBA का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों HRA, तो HRA का संबंध हो जाएगा घर से। प्रश्न संख्या 24, NTES का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा दोस्तों नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम, ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय ट्रेन पूछताछ प्रणाली। प्रश्न संख्या 25, भारत का पहला स्वचालित रंगीन प्रकाश सिग्नल किसके बीच चालू हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बम्बई BTC बाय कुर्ला। प्रश्न संख्या 26, शयनयान श्रेणी के लिए आरक्षण शुल्क क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 20 रुपया। प्रश्न संख्या 27, भारत की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर लोको पायलट कौन थी? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सुरेखा यादव। प्रश्न संख्या 28, स्लीपर श्रेणी के कन्फर्म आरक्षण टिकट के लिए न्यूनतम रद्दीकरण शुल्क क्या रुपया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 120 रुपया। प्रश्न संख्या 29, दक्षिण पश्चिम रेलवे का गठन कब हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अप्रैल 2003 में। प्रश्न संख्या 30, भारतीय रेलवे में कितने जोन हैं? तो अभी दोस्तों 17 जोन हैं, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 31, PHOD का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा दोस्तों प्रिंसिपल हेड ऑफ डिपार्टमेंट, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 32, FOIS का फुल फॉर्म पूछ रहा है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्राइट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 33, भारतीय रेलवे में AC लोकोमोटिव WAG का क्या अर्थ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गुड्स लोकोमोटिव, जिसको माल लोकोमोटिव भी बोला जाता है। प्रश्न संख्या 34, प्रथम भारतीय मेट्रो कहाँ आई थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता, 1984 में यह स्टार्ट हुआ था। प्रश्न संख्या 35, राजभाषा अधिनियम 1963 जो 1967 में संशोधित हुआ था, कि उन धाराओं का नाम बताइए जो जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, धारा 6 और 7 जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं है। प्रश्न संख्या 36, वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सूचीबद्ध है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 22 भाषा। प्रश्न संख्या 37, संसदीय राजभाषा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 10 सदस्य। प्रश्न संख्या 38, राजभाषा नियमों में संशोधन कब किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1987 में। प्रश्न संख्या 39, संविधान का भाग 17वां किस तारीख को संसद में पारित हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। प्रश्न संख्या 40, संसदीय राजभाषा समिति में कितने लोकसभा के सदस्य होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 20। प्रश्न संख्या 41, राजभाषा पर वार्षिक कार्यक्रम कौन तैयार करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, गृह मंत्रालय। प्रश्न संख्या 42, सिंधी को 8वीं अनुसूची में किस वर्ष जोड़ा गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1963 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 43, वर्ष 1967 में संशोधित राजभाषा अधिनियम 1963 में कितनी धाराएं हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 9 सेक्शन यानी 9 अनुभाग। प्रश्न संख्या 44, राजभाषा विभाग द्वारा उपयोग किया जाने वाला OLIC का विस्तार रूप क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेशन कमिटी, ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब होगा, राजभाषा कार्यान्वयन समिति। प्रश्न संख्या 45, दोस्तों इसमें इंग्लिश के भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे आपको पता होगा साउथ में LDC के एग्ज़ाम में
चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम हो, उसमें 10 नंबर से 15 नंबर LDC इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आइए उसको भी देख लेते हैं। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड इंडिसिप क्राइम नेट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, एमलेस। प्रश्न संख्या 46, देयर इज नो डैश एविडेंस टू सपोर्ट योर एसेशन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, फैक्चुअल। प्रश्न संख्या 47, द पॉपुलेशन ऑफ बेंगलोर इज हायर डैश दैट ऑफ मैसूर। तो ऑप्शन नंबर ए होगा देन मैसूर, देन दैट ऑफ मैसूर। प्रश्न संख्या 48, द यूजर शोड अस डैश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वे टू स्वीट, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 49, यू डैश गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन इफ यू रीड द बुक केयरफुल्ली। ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों, यू कैन गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन इफ यू रीड द बुक दिस बुक केयरफुल्ली। प्रश्न संख्या 50, आई हैव लर्न दिस लेसन वर्ड डैश वर्ड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वर्ड बाय वर्ड। प्रश्न संख्या 51, हैव यू एवन डैश द उल्फ क्राय। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, हैड द उल्फ क्राय। प्रश्न संख्या 52, ईच ऑफ द बॉयज डैश पेड द ट्यूशन फी। ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों, हैज पेड द ट्यूशन फी। प्रश्न संख्या 53, द वर्क डैश ही लेफ्ट हिज ऑफिस। इसका सही जवाब हो जाएगा तो हैविंग बीन कंप्लीटेड ही लेफ्ट द ऑफिस, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 54, ही कंप्लीमेंटेड हर डैश न्यू ड्रेस। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ऑन न्यू ड्रेस। प्रश्न संख्या 55, इफ आई मीट हिम आई डैश गिव हिम योर मैसेज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आई विल गिव हिम योर मैसेज। प्रश्न संख्या 56, लाइक ह्यूमन जू एनिमल्स मस्ट हैव ए डेंटिस्ट डैश देयर टीथ। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, टू फील देयर टीथ। प्रश्न संख्या 57, इज नॉट लर्निंग सुपीरियर डैश वेल्थ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, टू हेल्थ वेल्थ। प्रश्न संख्या 58, द थीफ ब्रोक डैश हाउस एट द ड्रेड ऑफ नाइट। ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों डी, इनटू द नाइट, इनटू हाउस एट द ड्रेड ऑफ द नाइट। प्रश्न संख्या 59, डैश विंस दिस सिविल वार देयर विल बी लिटिल रिक्वायरिंग एट द विक्ट्री। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, होएवर। प्रश्न संख्या 50, व्हेन ही कम बैक होम सेफ दैट नाइट एवरीबॉडी डैश ए साइन ऑफ रिलीफ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, हैव। प्रश्न संख्या 61, देयर वाज डैश रेनफॉल लास्ट ईयर। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लेस रेनफॉल लास्ट ईयर। प्रश्न संख्या 62, द हेडमास्टर कंग्रेचुलेटेड राजन डैश गेटिंग द मेरिट स्कॉलरशिप। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ऑन गेटिंग द मेरिट स्कॉलरशिप। प्रश्न संख्या 63, द एजेंडा फॉर द मीटिंग इज डैश द नोटिस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इनक्लोज विथ। प्रश्न संख्या 64, द डैश क्राउड है गेव द विक्ट्रियस टीम ए ट्यूमल्टियस वेलकम। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जुबलिएंट क्राउड। प्रश्न संख्या 65, ही डैश इन सच ए हरी दैट ही डिड नॉट वेट फॉर मी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ही वाज इन ए सच हरी। प्रश्न संख्या 66, ही इज ए पॉपुलर टीचर ही सीम्स टू बी डैश फॉर दैट प्रोफेशन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कट आउट। ही इज ए पॉपुलर टीचर ही सीम्स टू बी डैश फॉर दैट प्रोफेशन। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों
ऑप्शन नंबर डी कट आउट फॉर डेट प्रोफेशन। प्रश्न संख्या 67, वी ऑल हैव डैश द वाइडोट गर्ल, उसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सिंपैथी फॉर द वाइडोट गर्ल। प्रश्न संख्या 68, द मास्क वर्न बाय द मैन हेल्प देम डैश देयर आइडेंटिटी, सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कॉन्सियल। प्रश्न संख्या 69, द मिनिस्टर गेव एन डैश डेट स्ट्रिक्ट एक्शन वुड बी टेकन अगेंस्ट द कल्प्रिट, उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंश्योरेंस। प्रश्न संख्या 70, इफ आई हैड हेल्प हिम ही डैश, उसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी वुड नॉट हैव ड्राउन्ड। प्रश्न संख्या 71, चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड सेंटेंस डेट कैन नॉट बी अल्टरनेटेड और विड्राउन, तो इसमें हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 72, लेट अस क्विकली, ऑप्शन नंबर बी हडल। प्रश्न संख्या 73, ए लेडी डैश आई नाउ हेल्प मी, इसका सही जवाब होगा होम। प्रश्न संख्या 74, आई वॉज डैश मैनी मूवी बैक टू बैक ड्यूरिंग वैकेंशन, इसका सही जवाब होगा वॉचिंग। फिलिंग द ब्लैंक्स है दोस्तों, द लेडीज ब्लैक पर्स विच इज वन ऑन सेल हैज ए ब्यूटीफुल डैश कवर्ड ऑन इट, का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मोटलिप। प्रश्न संख्या 76, सी वॉज लेट फॉर ड्यूटी एंड डैश पनिश्ड फॉर डेट, सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी वॉज पनिश्ड फॉर डेट। प्रश्न संख्या 77, 25 माइनस 2.5 बराबर कितना होगा, तो इसको सही डिवाइड कीजिएगा, तो इसको सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 22.5। प्रश्न संख्या 78, 1, 2, 3, 4, 5 इंटू 11 बराबर वाट, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा दोस्तों, इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर ए 135795। प्रश्न संख्या 79, 1 - 0.1 बराबर वाट, इसका सही जवाब हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 0.9। प्रश्न संख्या 80, 4, 2, 3, 1 42, 31 × 100 कितना होगा, तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 42, 31, 100। प्रश्न संख्या 81, एक व्यक्ति की मासिक आय 8,000 रुपये है, यदि उसकी आय 20% बढ़ जाती है तो उसकी नई मासिक आय क्या होगी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 9600 रुपये। प्रश्न संख्या 82, किसी संख्या के 2/3 का आधा भाग 90 है तो वह संख्या क्या है, तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, तो इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर बी 270। प्रश्न संख्या 83, 80 × 4/8 + 8 × 7 बराबर कितना होगा, सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आएगा 96। प्रश्न संख्या 84, समस्या को सरल बनाएं, डैश का 35% बराबर 2175 -0.9595, तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 6217। प्रश्न संख्या 85, 100 - 0.1 बराबर वाट, तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 99.9। प्रश्न संख्या 86, जो सबसे बड़ा दशमलव है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 0.45। प्रश्न संख्या 87, सरलीकरण सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन है, 0.6 × 1.4 + 0.5 × 15 बराबर कितना होगा, इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, तो दोस्तों इसमें दिए गए ऑप्शन में से कोई नहीं आएगा, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 88, एक नाव 20 घंटे में धारा के अनुकूल 48 किलोमीटर चलती है, धारा के विपरीत दूरी तय करने में 4 घंटे अधिक समय लगते हैं, शांत जल में नाव की गति क्या है, इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर ए 2.2 किलोमीटर बराबर। प्रश्न संख्या 89, सौ इंटू जीरो बराबर क्या होगा, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 0। प्रश्न संख्या 90,
66 गुने 6 गुने 6 बराबर कितना होगा, तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 2376। प्रश्न संख्या 91, समस्या को सरल कीजिए। 2615 माइनस 4361 प्लस 2881 बराबर वाट गुना 20, तो इसका सही जवाब आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 92, यदि ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी सी बराबर 9:5, तो ए बी सी ज्ञात कीजिए, तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, तो आपका सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर डी, ए बी सी बराबर होगा 6, 9 और 4। प्रश्न संख्या 93, एक लड़का 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है, 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा, तो इसको सॉल्व कीजिएगा, तो इसका सही जवाब आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 10। प्रश्न संख्या 94, समस्या को सरल बनाएं। 0.2 × 222 / 20 × 12 बराबर कितना क्या होगा, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 26.64। प्रश्न संख्या 95, 2, 6, 12, 20, 42, 56, 72, 90, तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, तो इसका सही जवाब आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 30। प्रश्न संख्या 96, चावल की कीमत 480 रुपये के लिए 8 सदस्यों के लिए 20 दिन के लिए चाहिए, 12 सदस्यों के लिए 15 दिनों के लिए आवश्यक चावल की लागत क्या होगी, इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 540। प्रश्न संख्या 97, 50 - 0.5 कितना होगा, तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 49.5। प्रश्न संख्या 98, समस्या को सरल बनाएं। 333.33 + 33.33 + 3.3 बराबर क्या होगा, तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, तो इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर बी 369.96। प्रश्न संख्या 99, समस्या को सरल बनाएं। 97 + 710 - 143 = 4 × वाट, तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, तो इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर ए 166। प्रश्न संख्या 100, 560 × 10 = 0, तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 0 में किसी संख्या को गुना करते हैं तो वो संख्या 0 हो जाता है। प्रश्न संख्या 101, 9572 - 4018 - 2164 = वाट, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 3390। प्रश्न संख्या 102, निवेदिता पूर्व की ओर 8 किलोमीटर चलती है और फिर 13 किलोमीटर पीछे चलती है, फिर वह बाईं ओर मुड़ती है और 4 किलोमीटर चलती है, फिर बाईं ओर मुड़ने के बाद 5 किलोमीटर चलती है, फिर से बाईं ओर मुड़ती है और 3 किलोमीटर चलती है, वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा दोस्तों, तो इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर ए सॉरी बी 1 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 103, डेविड को 75, 65, 82, 67 और 85 अंक में से 100 प्राप्त हुए, उसका औसत अंक क्या है, तो इसका सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, तो इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर बी 74.8। प्रश्न संख्या 104, 1.5 / 2.5 का सबसे सरल रूप क्या है, तो इसका सही जवाब आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 3:5। प्रश्न संख्या 105, किसी संख्या के 2/3 का आधा भाग 120 है तो वह संख्या क्या है, तो इसका सही जवाब आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 360। प्रश्न संख्या 106, 220 मीटर लंबी एक ट्रेन एक सिग्नल पोस्ट को 12 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए, इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, तो इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर सी 66 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्न संख्या 107, 76, 89, 85, 65 में से सबसे छोटी संख्या क्या है, तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 65। प्रश्न संख्या 108, 10 - 0.1 = क्या होगा, तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 9.9। प्रश्न संख्या 109, 2480 का कितना प्रतिशत 2.48 है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों इसको सॉल्व कीजिएगा, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 0.10%। प्रश्न संख्या 110, 1, 2, 3, 4 × 11 = क्या होगा, तो एकदम सिंपल प्रश्न है दोस्तों, इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 13574। तो दोस्तों ये थे आज कॉमर्शियल डिपार्टमेंट कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क के प्रश्न। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। इस चैनल पर दोस्तों आपको रेलवे विभागीय परीक्षा संबंधित प्रत्येक विभाग का प्रश्न पत्र डेली अपलोड किया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।